जब मैं स्टूडेंट था तभी मैं सीए इंस्टीट्यूट का यहाँ पे, जैसे आपका विकासा होता है, यहाँ पे सिकासा सेंट्रल इंडिया में था, तो आई वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन टू इट. तो मैं, मुझे याद है कि मैंने अपना पहला सेमिनार लिया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 पे, विच वॉज इन ऑडिटोरियम. उस समय की बात बता रहा हूँ, लाइक 400-500 स्टूडेंट. एट वॉज फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस जो मेरा था एज इन पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्वमेंट. फिर मैंने, प्रेसिडेंट साहब आए थे तो उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने AS16 का एक सेशन लिया था. तो मैं बहुत ज़्यादा एज सच पब्लिक स्पीकिंग में उस समय इन्वॉल्व था, एंड दैट क्रेडिट गोज टू VBA. ओके, तो वो पब्लिक स्पीकिंग और वहीं पे AS और वो सब के सेमिनार देना, और आज वही पब्लिक स्पीकिंग और वही AS और वो सब पढ़ाना. आई वॉज लकी कि जल्दी राह पता पड़ गई क्या कर रहा है. स्वागत है आप सभी का सीए टॉक शो के सेकंड एपिसोड में, एंड मेरा नाम सौरभ महेश्वरी, एंड हम एक और सीए फर्टिनिटी से बहुत ही जानी मानी फैकल्टी को अपने साथ लेके आए, एंड इन्हें किसी भी प्रकार के कोई भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा मैं इनका इंट्रोडक्शन दूं, एंड आई एम वेरी प्राउड के इस शो का हिस्सा ये भी बने. एंड स्वागत करता हूँ सार्थक जैन सर का, जो कि इंदौर से है और पूरे भारतवर्ष के सीए स्टूडेंट्स सभी इनको बहुत ही अच्छे से जानते हैं. दो सब्जेक्ट सीए फाइनल के अंदर और दो सब्जेक्ट सीए इंटर के अंदर ये पढ़ा रहे हैं, और अब तक कई सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं. पढ़ाने के साथ साथ इनका एक टैगलाइन है, सीए के साथ भी एंड सीए के बाद भी, एंड उसी के तहत ये प्लेसमेंट में भी बच्चों की हेल्प करते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें करते हैं. तो स्वागत है सार्थक सर आपका, कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, ड्रीम कम ट्रू ऐसा लग रहा है. मेरा सवाल था सर, ये आपने मुझसे पहले ही पूछ ही बोल दिया, लगा मुझे बाद में फंसाओगे तो पहले ही फंस जाऊं. तो सर, बहुत छोटा सा चिटचैट सेशन अपन करेंगे. श्योर. एंड इस सेशन के अंदर कैसा है, हम आपके पर्सनल जिंदगी के बारे में स्टार्ट करेंगे, आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज, ऐसे इस लाइन पे हम लोग इस इंटरव्यू को लेके जाएंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, और फिर आज अपन कहाँ है और कल कहाँ थे, और इन सब के बारे में चर्चा करेंगे. और व्यूअर जितने भी ये देख रहे हैं, बहुत सारी नई चीजें सार्थक सर के बारे में आपको आज जानने को मिलेगी, जो शायद इन्होंने कभी बताया नहीं. तो ये सारे सवाल शुरू करने से पहले मेरा एक सबसे पहला एक सवाल है कि आप इतना ज्यादा सोशल मीडिया से दूर क्यों रहते हैं, मतलब क्या ऐसा रीजन है? मतलब आई हैव सीन सो मेनी फैकल्टीज जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव है और बहुत कुछ करती रहती है, लेकिन आप बहुत ज्यादा शाय और सोशल मीडिया से एकदम दूर हटके रहते हैं, इसका क्या कारण? देखो, सोशल मीडिया में नहीं है इसका मतलब शाय नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते. और सबसे इम्पोर्टेंट, तुमने बताया कि दो सब्जेक्ट सीए फाइनल, दो सब्जेक्ट सीए इंटर, और सारे के सारे कोर. तो जब ऐसा मौका मिलता है कि एक तरफ इंस्टाग्राम है और एक तरफ किताबें, तो किताब चुनी जाती है. और इन सब के अलावा आई बिलीव मोर इन इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द स्टूडेंट्स. तो जहाँ भी टाइम मिलता है, फोन पे, व्हाट्सएप कॉल पे, चैट पे, गूगल मीट पे, जूम मीटिंग पे, सो आई डू अ लॉट ऑफ दैट स्टफ. मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट की कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है किसी भी फॉर्म से हो, सोशल मीडिया से. ये थोड़ी ज़्यादा डायरेक्ट है तो मुझे ज़्यादा पसंद आती है. एकदम एकदम करेक्ट है. चलो, सोशल मीडिया से इतना दूर हो तो हमारे को इंटरव्यू के लिए सर आपको मना कर सकता है? थैंक यू सो मच. मतलब मैं बहुत बताना चाहूंगा, मैं सार्थक सर को पिछले 5-6 साल से जानता हूँ, और उनके साथ में पिछले 5-6 साल से काम करता हुआ आ रहा हूँ, और 5 साल लगे मुझे सर को कन्विंस करने में, ठीक है कि सर एक इंटरव्यू आपका बनता है, सर एक इंटरव्यू मैं लेना चाहता हूँ आपका. और सर, अब इंटरव्यू एक्चुअल स्टार्ट करते हैं. आपने स्कूलिंग कहाँ से की? मतलब आप इंदौर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, स्कूलिंग इंदौर से ही सारी? हमारी स्कूलिंग काफी गरीबी में हुई थी, सेंट पॉल नाम की एक बॉयज स्कूल हुआ करता था, इसलिए गरीबी कहा मैंने. तो 10th तक मैं सेंट पॉल्स में था. okay. और वहाँ पे कॉमर्स नहीं हुआ करता था, इट वॉज ओनली अ साइंस एंड बायो, क्योंकि उस जमाने में बॉयज स्कूल में कॉमर्स सेक्शन रखना मतलब कि स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ देना. तो 10वीं के बाद फिर, बिकॉज आई वॉज वेरी कन्विंस कि मुझे कॉमर्स ही लेना है, नॉट दैट कि मुझे कॉमर्स से ज़्यादा प्यार था, बट साइंस थोड़ा कम समझ में आता था. मुझे याद है कि मैं पहले दिन साइंस की क्लास में भी बैठा था, और सर ने पूछा था उस समय वहाँ पे कि सूप गर्म क्यों अच्छा लगता है, और उन्होंने उसका कोई रीज़न भी दिया था कि टेस्ट बड्स एक्टिवेट हो जाती. मैंने बोला, यार जीवन में अपने को ये जो ग्लास रखी है, ये ग्लास कितने में बिकेगी ये समझना है, इसके अंदर एटम मॉलिक्यूल क्या है ये नहीं समझना है. तो दैट्स द रीज़न कि मैं कॉमर्स में जाना था. तो सत्य साई नाम की एक साई बाबा की स्कूल है यहाँ पे, इट्स अ डिसेंट वेरी गुड स्कूल इनफैक्ट. तो वहाँ पे बड़ी शिद्दतों के साथ एडमिशन हुआ, और वहाँ ये भी लगा कि गरीबी दूर हो जाएगी. कोएड स्कूल थी, अंदर जाने के बाद मालूम पड़ा कि साई बाबा के संस्कार कुछ ऐसे थे
कि कोएड होके भी वो कोएड नहीं थी। इसका मतलब ये है कि अलग अलग हुआ करता था, क्लास में बैठने का सिटिंग अलग होता था, असेंबली अलग होती थी, लंच रूम अलग होते थे, सब कुछ अलग होता था। और हमें याद है कि हमारे एक सर हुआ करते थे, राठौर सर, उनका नाम डिजर्व करते हैं यहाँ पे बोलना, तो अगर वो लड़का लड़की को आपस में बात करते देख लेते थे तो पकड़ के उनसे राखी बंधा देते रियलाइज हुआ कि कई बार बॉय स्कूल ही बेहतर हो सकते हैं। तो अभी राठौड़ सर कहाँ है? राठौड़ सर को किसी ना किसी लड़के ने उठा लिया होगा। अभी तो नहीं सर, ये तो स्कूल का हो गया, आपने इंदौर से स्कूलिंग करी। अभी आपने बताया कि कॉमर्स आपको लेना ही था, ठीक है, साइंस नहीं लेना था, क्या इसके अलावा भी कोई और कारण था आपने कॉमर्स लिया? मैं कन्विंस था, एज सच मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट नंबर्स में था, मैथ्स, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें, फाइनेंस। डैड भी मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, और डैड को मैंने देखा बहुत क्लोजली, तो जो थॉट प्रोसेस है, अप्रोच है, चीज़ों को सोचने का तरीका है। बिजनेस करने का मन था, फैमिली बिजनेस की थी, तो मैंने देखा था मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारे आसपास लोग बिजनेस में हुआ करते थे, बट फादर जिस तरह से एक वो बॉटम लाइन और टॉप लाइन को मैनेज करके बिजनेस करने की चीज़ होती है, तो वो जो इंटरेक्शन उनके थॉट प्रोसेस से दिखता था, मुझे लगा कहीं ना कहीं ये शायद कॉमर्स से आता है और चार्टर्ड अकाउंटेंसी से आता है। तो आई वाज क्लियर कि मुझे सीए करना है और साथ ही साथ में कॉमर्स लेके करना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था 12th के बाद, क्यों? क्योंकि जब सीए में गए तो ऐसा लगा कि जीवन में अब कुछ बचेगा नहीं अगर सीए कर लिया तो, और उस समय एज सच काफी चंचल हुआ करते थे, तो कॉलेज लाइफ का बड़ा एक अट्रैक्शन था। चंचल हुआ करते थे या चंचल हुआ करती थी? तो आप नहीं हुआ करती थी उस समय, नहीं आई थी लाइफ में, तो उस सेंस में क्योंकि कॉलेज लाइफ का बड़ा अट्रैक्शन था, मेरे ब्रदर की भी कॉलेज थी, एंड मतलब उनका ऐसा था कि दिन में उनको कंफ्यूजन रहता था कि किसकी बर्थडे पार्टी में जाओ, इतने सारे इन्विटेशन बहुत सारे कॉलेज, तो कॉलेज इज लाइक दैट। तो फिर मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि कॉलेज भी करना है और सीए भी करना है, तो आई टुक बोथ ऑफ देम, तो शुरू से ही दो दो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स भी दो बस यहाँ तक ही और कुछ नहीं। तो आएगा सवाल, तो मैंने बीबीए के साथ सीए किया था। अच्छा। तो आई हैड अ रेगुलर कॉलेज फॉर द फर्स्ट टू इयर्स, थर्ड ईयर में वहाँ पे मिल जाता था अटेंडेंस का, बट कॉलेज के साथ मेरा ये चलता था, तो आई हैड अ गुड कॉलेज लाइफ। मैंने पूरी कॉलेज लाइफ जैसा एक नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट देखता उससे ज्यादा देखी। तो अब मेरे को समझ में आया व्हाई यू आर टू गुड इन बिजनेस, क्योंकि आपने बीबीए के साथ में सीए किया है, यूजुअली सीएस आर डूइंग बीकॉम के साथ में सीए, बट आपने बीबीए के साथ में सीए किया। आई मीन बिजनेस तो करते नहीं अपन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है फास्ट अपना, तो बिजनेस में अच्छा हो या नहीं पता नहीं, बट हंस रहा है इसको रोको, इसको कट करो। बट ये जरूर है कि बीबीए वाज मोर ऑन प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल, बहुत सारे प्रेजेंटेशन होते थे उसके कारण। जब मैं स्टूडेंट था तभी मैं सीए इंस्टीट्यूट का, यहाँ पे जैसे आपका विकास होता है, यहाँ पे सिकासा सेंट्रल इंडिया में था, तो आई वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन टू इट। तो मैं, मुझे याद है कि मैंने अपना पहला सेमिनार लिया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 पे, विच वॉज इन ऑडिटोरियम, उस समय की बात बता रहा हूँ, लाइक 400-500 स्टूडेंट, एट वॉज फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस जो मेरा था एज इन पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्वमेंट। फिर मैंने, प्रेसिडेंट साहब आए थे तो उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने AS16 का एक सेशन लिया था, तो मैं बहुत ज़्यादा एज सच पब्लिक स्पीकिंग में उस समय इन्वॉल्व था, एंड दैट क्रेडिट गोज टू बीबीए। ओके, तो वो पब्लिक स्पीकिंग और वहीं पे एएस और वो सब के सेमिनार्स देना, और आज वही पब्लिक स्पीकिंग और वही एएस और वो सब पढ़ाना। आई वाज लकी कि जल्दी रहा पता पड़ गई क्या कर रहा है। तो फिर आर्टिकलशिप आपने यहीं से, बिग फोर से ज्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्रेज होता था हमारे समय पे। मेरा डीयू कट ऑफ 12th का क्लियर था, मेरा एडमिशन था वहाँ पे डीयू पे, बट देन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि डीयू के साथ सीए तो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोकेशन चेंज एंड उनके एग्जाम्स भी उस समय पे क्लैश होते थे सीए के एग्जाम से, तो देन आई टुक दिस ऑप्शन कि मैं यहीं से ये कर लूंगा। रही बात आर्टिकलशिप की, तो पोहे जलेबी यहाँ के इंदौर के छूटते नहीं हूँ, ऐसे काफी होमसिक हूँ ऐसे थोड़ा, तो वेरी क्लोज टू फादर मदर के साथ रहना पसंद है, तो कभी इच्छा थी नहीं ऐसे कि बाहर जाके करेंगे, और ऐसा लगता था यही हो जाएगा। एंड हम हमारे कुछ रिसर्च करके आए, एंड रिसर्च के हिसाब से यू गॉट AIR 46 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन सीए फाइनल जी, एंड चार भाग पीछे हो जाता तो रह जाता। तो आपको एकदम क्लियर था कि रैंक लानी है, यू आर वेरी मच क्लियर कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पास होने ही वाला हूँ, या कहीं मन में ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, या कैसा था एग्जैक्ट, क्या सिचुएशन थी उस समय? जीवन है ना, बहुत ही सुकून वाला था उस समय, ऐसे ना कोई मोटिवेशन की जरूरत थी, ना कोई मोटिवेशन अपने जीवन में था, लाइफ एकदम ऐसे स्मूथ सेटल चलती थी, क्योंकि कॉलेज चलता था साथ में पढ़ाई चलती थी, मतलब दिमाग में सिर्फ एक ही एस्पिरेशन था कि कभी फेल नहीं होना है। सोशल मीडिया भी नहीं था प्रिसाइज़ली।
तो फेल नहीं हो रहा है, इसके अलावा और कोई कभी कोई मोटो ही नहीं था। okay. इंटर में मैंने दोनों ग्रुप क्लियर किए, मिठाई खिलाने मेरे बॉस के पास गया, तो मेरे बॉस ने बोला कि, मैंने उनको बताया कि मेरी उस समय कुछ 4-5 मार्क्स से रैंक रह गई थी। वो दोस्तों ने बताया, मैंने बोला यार ऐसे अपन पास हो गए उतने में ही बहुत खुश हैं। मैंने बॉस को बताया तो वो बॉस उम्रदार थे, तो उन्होंने लेक्चर सुना दिया लंबा चौड़ा कि बोले थोड़ी मेहनत कर लेता रैंक आ जाती, अब तेरे को ये नहीं बोलना पड़ता 4 मार्क्स से रह गए। बोला ठीक है यार, उम्र के हिसाब से बोल रहे हैं। बट उनके कारण मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ आ गई थी। आखिरी 4 महीने में पढ़ाई करी थी ये सोच के कि रैंक लाना है। तो आखिरी 4 महीने भी पढ़ के रैंक लाई जा सकती है, नोट किया जा। ठीक है, बहुत सारे रैंकर्स के इंटरव्यू हमने आपके भी देखे हैं, रैंकर्स के भी देखे हैं, तो वो बहुत प्रिसाइसली बोलते हैं कि लास्ट 6 महीने 5 महीने अगर बहुत ज्यादा लग के अगर कर ले, मेहनत कर ले, तो इट कुड बी डन, रैंक लाई जा। अल्टीमेटली वो डिफरेंस क्रिएट करता है, बाकी आपका शिद्दत से आप कितना पीछे लगे हो उस पर डिपेंड करता है। तो आपने CA बनने के तुरंत बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया, राइट? नहीं, मैं जब CA कर रहा था तब मैं थोड़ा बहुत पढ़ाता था घर पे, कैजुअली आई यूज्ड टू टीच, एंड 2 बैचेस मैंने ऑडिट की पढ़ाई थी जब मैं फाइनल में था, तब इंटर पढ़ाता था। फिर उसके बाद CA बनने के बाद फिर मेरी जॉब लगी थी ITC में, तो ITC में फिर मेरी जॉब लगी थी, तो 3 साल फिर मैंने वहाँ पे जॉब की। जॉब का ऐसा था नहीं, फैमिली थोड़ी बिजनेस वाली थी, जाना नहीं था, पर पैकेज देख के थोड़ा घर वालों को भी लगा जानते थोड़े इकट्ठे कर लाएंगे। तो 3 साल मैंने जॉब की, फिर उसके बाद मैं वापस आया। शुरू तो मैंने प्रैक्टिस करी थी यहाँ के, अच्छा, पर मैं वही दुकान शटर खोल के 9 बजे बैठ जाते थे, इंदौर में तो 11 बजे मेले कुछ चलता नहीं है। तो फिर मेरे कुछ स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ाता था ड्यूरिंग माय फाइनल्स, वो फाइनल में आ गए, रुके हुए थे, उनको मालूम पड़ा मैं आ गया हूँ, तो उन्होंने बोला जब पढ़ा दूँ, एंड देन फिर मैंने बोला सुबह फ्री रहता हूँ पढ़ा दूंगा, वहाँ से शुरू हो गया। एंड आप 1999 में आपने CA क्लियर कर लिया था? नहीं, 99 वाज 12, 2003 मेरा CA। अच्छा, 2003 वाज CA क्लियर, एंड अभी हो गया 2023। जी, CA बने 20 साल हो गए, तो उस 20 साल से हम आपकी एज का हमने अंदाजा तो लगा दी। बट सवाल जो है, सवाल क्या है, मतलब क्या इतना फिट रहने का, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का अंदाजा नहीं लगता। ठीक है, मतलब मैंने आपको 5-6 साल पहले देखा था, कुछ पुराने YouTube वीडियोस में भी देखते हैं, तो यू हैव लॉस्ट lots of weight, तो बहुत सारा weight आपने reduce कर लिया। Correct. तो इन सब के पीछे क्या है, क्या motivation? I mean, कुछ consciously किया, कुछ अपने आप हो गया, बाकी तो क्या, दिन में 6-8 घंटे क्लास पढ़ाओ, बाकी टाइम किताबें बनाओ, ऐसे ही वेट लॉस हो जाता है। तो एक CA का जीवन ऐसे भी एज सच आप देखोगे तो प्रैक्टिस, अब मेरे केस में अदरवाइज में ऐसा है कि मेरा 2-3 किलो भी बढ़ जाता है तो मैं दौड़ना शुरू कर देता हूँ। okay. कर लेता हूँ, तो आई मोर ऑर लेस कीप अ ट्रैक ऑफ, और फिर क्या होता है, तुम लोग थोड़ा सा चढ़ा भी देते हो ना, सर ऐसा फिट लग रहे हो, तो आजकल होता है कहीं जाते हैं तो बोले अरे यार अनिल कपूर आ गया, मतलब यार अपन रणवीर सिंह सोच रहे थे, अनिल कपूर बोल रहे हैं, अब चलो यही मेंटेन करें। तो उस सेंस में वैसा है, नथिंग कॉन्शियसली बहुत ज्यादा। ओके, एंड मतलब मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2003 या 2006 जब भी आपने अपना फर्स्ट बैच लिया होगा, या फर्स्ट बैच तो आपने CA के साथ साथ ही ले लिया था, तो आई गेस 20-23 साल हो गए, फर्स्ट 21-22 इयर्स हो गए बीच में, एंड लास्ट बैच जो आपने लिया, ठीक है, आई गेस एक बैच रनिंग भी चल रहा है आपका, करेक्ट, ठीक है, FR ऑडिट दोनों का लाइव, एक रनिंग बैच भी चल रहा है, right. तो अभी जो बैच चल रहा है और जो बैच आपने फर्स्ट अपना लिया था, ठीक है, उन दोनों के स्टूडेंट्स में आपको क्या मेजर डिफरेंस नजर आता है? स्टूडेंट्स में, हाँ, स्टूडेंट्स में जनरेशन में क्या डिफरेंस नजर आता है, उस समय के स्टूडेंट कैसे थे और आज के स्टूडेंट कैसे हैं? आई मीन स्टूडेंट मोर ऑर लेस आर सिमिलर, बहुत ज़्यादा उसमें वो फ़र्क नहीं है, बट ये है कि पहले फेस टू फेस क्लासेस हुआ करती थी सारी, तो क्लास में चिचोरे बंदी ज़्यादा होती थी, बट अब क्योंकि ऑनलाइन है तो उतने मौके नहीं मिलते। पहले गाने बहुत गाना पड़ते थे, यू हैड टू बी अ गुड सिंगर फर्स्ट एंड देन अ गुड टीचर इन इंदौर एटलीस्ट, बट यहाँ पे अब ऐसा है कि बच्चे मान जाते हैं, पढ़ा देते हैं, तो इन दैट सेंस स्टूडेंट में आई डोंट परसेप्ट सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, वो आज भी वैसे ही हैं जैसे उस समय थे, बट यस मोड चेंज हो गया है। okay. मुझ में चेंज जरूर आ गया, अपनी छिछोरे बंदी थोड़ी कम हो गई, शुरुआती दौर ऐसा होता था कि जोश में पढ़ा रहे क्लास में एज सच, आई मीन आई रिमेम्बर फर्स्ट 3-4 ईयर्स तो ऐसा था कि टचन चलता था एकदम, कि चल रहे हैं बच्चों को भी अट्रैक्शन उस समय रहता था कि यार इतनी बड़ी कंपनी से, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट प्लेस इन ITC ड्यूरिंग दोस डेज। ओके, तो मैं जब वापस आया तो बहुत सारा माहौल था कि बोले भगा दिया या वापस आए, एंड गॉसिप चलने लगी, तो अच्छा है आपका नाम हो रहा है उसी में आप खुश हो, बट ये जरूर था दैट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग तो आई कुड आई गॉट वेरी अर्ली सक्सेस इन टर्म्स ऑफ यू नो स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी मिली मुझे।
जो नॉर्मली टाइम लगता है उसके कंपैरिजन में। बट फिर मैंने एक होता है आपको अर्ली सक्सेस मिल जाती है, आपको लगता है कि अपन ही बाहुबली है, अपन ही शाहरुख खान है। तो उस समय और इस समय बहुत फर्क आ गया। पहले ऐसा होता था कि क्लास में जा रहे हैं तो ठीक है, गए क्या पढ़ाना है सब पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस में ही सारी चीजें चलती थी। बट देन ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन यू रियलाइज कि इट रिक्वायर्स मच मच मोर प्रिपरेशन एंड एफर्ट। तो उस और अभी के समय में डिफरेंस बेसिकली है, तो वो क्लास के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, क्लास के पहले जो टाइम क्लास की प्रिपरेशन में जाता था उसमें बहुत बड़ा फर्क आ गया। So still you prepare for the class? I mean, अब तो क्या है, मैंने It's a tricky question. मेरा IDT पढ़ाता था। अच्छा। फिर मेरी शादी हो गई, तो मेरे तीन सब्जेक्ट थे। अच्छा, तो फिर एक सब्जेक्ट इसलिए छोड़ दिया। एक शहीद होना था। तो फिर मैंने बोला कि अपन IDT को शहीद करते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट आते हैं। फिर आ गया इंडेस, तो सबसे ज्यादा अमेंडमेंट आ गए FR में। फिर उसके बाद ऑडिट ऐसा है कि इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा चेंज करता है। आप अभी देख लो न्यू सिलेबस में फाइनल में 5 पेपर में सबसे ज्यादा चेंज ऑडिट में। तो मेरे लाइफ में पढ़ने पढ़ाने वाले काम तो खत्म ही नहीं हुए। आई कीप ऑन प्रिपेयर, आई मीन करना ही पड़ता है मेरे सब्जेक्ट की डिमांड में। और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रिसेंटली वेल अपडेटेड एज इन डिस्पाइट द फैक्ट तुमने बोला मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ माई सब्जेक्ट्स आई विल बी पॉसिबली आई डोंट कंपेयर बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स आई वुड बी मोस्ट अपडेटेड विद माई सब्जेक्ट्स। 100% एंड मतलब क्या आपको क्या लगता है कि आप इतने समय से पढ़ाते जा रहे हो, कोई ऐसा किस्सा स्टूडेंट्स का जो आपके दिमाग में ऐसे छप सा गया हो? ठीक है, कोई एक ऐसा किस्सा, ठीक है, और यंग एज में आपने पढ़ाया भी होगा तो कोई तो आपका तो कोई किस्सा होगा ही होगा। अब मतलब तुम क्या किस कौन से किस्से सुनने जा रहे हो, जितने सुनने उतने जो जो यूट्यूब पे जनता को पसंद आए, जो यूट्यूब पे आपके स्टूडेंट्स को पसंद आए, वैसा कोई किस्सा, ऐसा किस्सा जो आपने किसी को बताया ना हो कभी? आई मैं समझ गया तुम क्या हिंट कर रहे हो। तो किस्से बहुत सारे, इनफैक्ट तो मेरी शादी हुई थी और दैट वाज 2011। Okay. अब ऐसा था कि 2000 मैं पढ़ा रहा था 6 से, था टीचिंग देयर फॉर ऑलमोस्ट 5 इयर्स। बहुत ज्यादा पुराने भी नहीं हुए थे उस समय अपन, तो अपनी भी उम्मीदें थी, बच्चों की भी उम्मीदें जागी हुई। तो आई रिमेम्बर दैट मेरी शादी से पहले वाला जो पीरियड था दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इवेंटफुल पीरियड ऑफ माय लाइफ। तो बोलना गलत होगा एज सच, बट द बेस्ट थिंग वाज कि मेरी शादी वो संगीत होता है उससे 2 दिन पहले स्टूडेंट्स ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी एंड आई वाज जस्ट आस्क्ड कि आप इस दिन फ्री हो या नहीं है, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं था। एंड आई रिमेम्बर 2 दिन पहले पार्टी थी, मुझे घर से बुलेट पे बिठा के ले गए। अच्छा। और बुलेट पे मुझे उल्टा बिठाया था और यहाँ से कुछ 2-1 किलोमीटर दूर किसी का बड़ा सा फार्म हाउस था एंड आई रिमेम्बर कि वहाँ पे देयर वुड बी लाइक 1000 odd स्टूडेंट्स। ओके। और शाम थी, 7-8 बज गई थी, मुझे वहाँ ले जाया गया सरप्राइज पार्टी और ऐसे पूरी दोनों लाइन से बच्चे खड़े हुए थे, मुझे बोला भाई फैला लो शाहरुख खान जैसे, बच्चे हाथ लगा रहे। मैंने बोला यार ये तो बढ़िया काम है। फिर वो बुलेट के साथ उसने स्टेज पर चढ़ा के ले गया मुझे और स्टेज पे फिर 4 लोग आए उठा के मुझे लाए, फिर मुझे फेंक दिया गया। और जैसे नॉर्मली आपने म्यूजिक शोज में देखा होगा जनता उठा के, करेक्ट। And then I was very amazed. And यार क्या गजब लाइफ, मतलब I reconsidered यार शादी से पहले ऐसे करना भी चाहिए हमें। और टीचर और इतने मास स्केल पे स्टूडेंट्स को पढ़ाना, तो आप एक तरह से सेलिब्रिटी बन ही जाते हो, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। I mean, you know, you look up to your teacher. When we were student, अपन भी देखते थे, सबके अपने अपने अलग रोल मॉडल्स होते हैं, उसमें टीचर्स तो होते ही हैं। करेक्ट। एंड क्योंकि आप I mean, 3-3, 4-4 महीने कनेक्टेड रहते हो स्टूडेंट से। और प्लस मोर देन एनीथिंग एल्स CA में SH भी क्या होता था, दोस पर्टिकुलर टाइम्स इट वाज ऑल अ प्रेशर कुकर। बच्चे ऐसे ही बेचारे हर जगह पकते रहते थे, तो उनको भी थोड़ा लगता था कि चलो ठीक है यार कोई नया नवेला आया है तो थोड़ा तो इन दैट सेंस या आई हैड अ गुड टाइम ड्यूरिंग फेस टू फेस क्लासेस। ऑनलाइन आल्सो एंजॉय। एंड व्हाट डू यू प्रेफर, फेस टू फेस और ऑनलाइन? उम्र के साथ साथ आई थिंक अभी ऑनलाइन अच्छा लगता है क्योंकि क्वालिटी और डिलीवरी और कंटेंट ऑनलाइन में बेहतर आता है डेफिनेटली। एंड व्हाट डू यू प्रेफर, FR और ऑडिट? आई मीन मेरे लिए तो इट्स लाइक यू शुड रादर पुट इन की बिटवीन FR एंड ऑडिट इफ आई हैव टू पिक अप एनी वन पर्टिकुलर थिंग, तो आई वुड रादर से कि यार मैं ग्रुप 1 उठा लूंगा तो तीनों पढ़ा दूंगा रादर देन इनमें से एक सब्जेक्ट उठाऊं। क्योंकि कैसा है कि आई बीन टीचिंग दीज 2 सब्जेक्ट्स, आई मीन राइट फ्रॉम द बिगनिंग, नंबर 1। सेकेंड कुछ अब क्या होता है, कोई मूवी भी देखो तो कोई पोर्शंस होते हैं जो आपको थोड़े से ऐसे लगते हैं, सेम वुड हैपन ऑडिट में, कहीं पे प्योर थ्योरी नो लॉजिक्स एंड ऑल, तो वो पर्टिकुलर कंटेंट रहता है कि सिर्फ याद कराना है। FR में वैसा कम होता है, तो उस सेंस में
अगर आप सब्जेक्ट बोलोगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट वाइज FR इज कंपैरेटिवली मोर लाइकेबल बाय मोस्ट ऑफ अस, बट एज अ फैकल्टी मुझसे बात करोगे तो मेरे पास ऑडिट की कुछ ऐसी, आई मीन आई फील दैट आई हैव सर्टेन थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी कि स्टोरी क्रिएट करना, एग्जाम्पल बनाना, तो वो सब्जेक्ट ऐसे सूखा होने के बावजूद भी पढ़ाने में मजा आता है, तो ऑडिट का वो है और FR में कनेक्टिविटी है, मतलब आई एम एक्चुअली मेरा मैथमेटिकल थोड़ा सा दिमाग है, साइंस प्रूव्ड वाला टाइप का आदमी, तो FR में वो इंडेस में बहुत अच्छे से होता है, तो व्हेन FR में पहले वो नहीं होता था इंडेस इन ऑल, इट यूज टू बी लाइक वो चैप्टर्स हुआ करते थे, तो देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट वेरी मच इंक्लाइन टू वॉच इट, बट सिंस इट इज एस एंड इंडेस आई काइंड ऑफ ओके। तो आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को डक कर दिया, तो यार वन मोर क्वेश्चन, अगर कोई तीसरा सब्जेक्ट अब स्टार्ट करना हो तो क्या स्टार्ट करोगे? सन्यास मेडिटेशन पढ़ा लिया भैया। नहीं, बच्चों को मेडिटेशन चलेगा, कोई दिक्कत, बाबा बनेंगे आप, कोई बढ़िया सीखना भी है तो अध्यात्म सीखेंगे और बढ़िया भभूति वाले बाबा बनेंगे और वो सब्जेक्ट सीखेंगे, सीए में हम नया सब्जेक्ट नहीं वैसे बाबा वाले प्रोफेशन में भी बहुत स्कोप है आई थिंक मच मोर देन एनी अदर बहुत पैसा है उसमें भी। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स से रिलेटेड कुछ सवाल पे आगे चलते हैं। अभी एज यू ऑल नो न्यू कोर्स आ गया और दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, देयर स्टूडेंट्स जो नवंबर 23 में दे रहे हैं और देयर स्टूडेंट्स जो पहला अटेम्प्ट ही मई 24 में देने वाले, और इनके अलावा तीसरा जो ऐसा हो जाएगा जो शायद नवंबर 23 पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो मई 24 के अंदर ऑटोमेटेड न्यू कोर्स में जाने वाला है। करेक्ट। तो इन तीनों के लिए वन बाय वन अपन चलते हैं, जो मई 24 में देने वाला है, मई 24 जिनका एग्जाम है, फर्स्ट अटेम्प्ट ड्यू है, उनके लिए क्या एडवाइस? रिजल्ट परसेंटेज अच्छा आएगा, थोड़ी किस्मत तुम्हारे साथ रहेगी, अच्छे से मेहनत कर लो तो निकल जाओगे, बाय एंड लार्ज तो ये है। सेकेंड, आप जब भी चेंज होते हैं कोर्स और कंटेंट तो जो भी चीज़ें बदलती है उसका हमेशा वेटेज ज़्यादा होता है, तो वो हो सकता है कि आपका चेंज 20% है पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वेटेज 40-50% भी हो सकता है, तो चेंजेस के ऊपर आप एक्स्ट्रा एम्फेसाइज करें एंड मेक श्योर कि आपने जो भी चीज़ पुरानी पढ़ी है उससे जो नया है उसमें किसी भी तरह से आप उसको कैजुअली ना दें, अब नई चीज़ें जो भी आई है, नए क्वेश्चंस ऐड हुए कहीं पर भी, नया कंटेंट ऐड हुआ है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करें। प्लस पहले पेपर में कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट कुछ चीज़ें ऐसी भी पूछ लेता है जो स्टडी मटेरियल में नहीं है भाग की, यानी ओल्ड कोर्स में थी और न्यू कोर्स में उसका क्वेश्चन आ गया, उसके लिए आप अभी से प्लान तो नहीं कर सकते हो बट मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि ऐसा कुछ आ गया तो सबके लिए एक जैसा है, डोंट गेट बॉक्ड ऑफ विद दैट पर्टिकुलर फैक्ट, बाहर आके धरने का मत सोचना शुरू कर देना एकदम से, पहले एग्जाम कंप्लीट कर लेना फिर उसके बाद अपन इंस्टीट्यूट से लेंगे आगे कि भैया इसका क्या कर दिया आपने, और अभी से ही अपन इस पे बनाते लग गया वीडियो तो शायद इंस्टीट्यूट ना ही करे। नो मोर सीरियस क्वेश्चन, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? मेरे तो रैंक ही रहती है सभी पढ़ाते समय, तो अच्छा स्टूडेंट के जो रिजल्ट होते हैं, रैंक आती है या वो फोन आते हैं, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। एंड आप स्टूडेंट को क्या एक टिप देना चाहेंगे टू गेट मोटिवेटेड? आई मीन मोटिवेशन वगैरह यूजुअली आपके पास काम की कमी है तो मोटिवेशन की जरूरत ज्यादा लगती है, आदमी बिजी रहता है तो पता ही नहीं पड़ता क्या मोटिवेशन है, और प्लान आपको मालूम है कि आपके पास समय कम है और काम ज्यादा है तो आप करते जाओगे, जब तक आप एक्टिव हो तब तक मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, जब आप इनएक्टिव हो जाते हो, डॉर्मेंट हो जाते हो तो मोटिवेशन हो जाता है जरूरी, तो आई थिंक सिंपल एक्टिव रहो तो काम हो जाता है, और थोड़ा कभी बुरा फील होना चाहिए, वो भाव नहीं गया जिसमें भाव मर गए, तो आपको आंसू आते हैं तो अच्छी बात है, आना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए, तो इट इज गुड टू हैव दैट। ओके, एंड आप आगे इतने सारी चीजें करते जा रहे हैं, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा व्यूअर्स के फास्ट यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, मैंने मेरी पूरी रिसर्च कर ली, मेरे को उसके बाद भी सारी चीजों के बारे में पता नहीं चला, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या 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 चीजें अपार्ट फ्रॉम टीचिंग फास्ट में होती है? बहुत सिंपल फंडा है, सीए का जो स्टूडेंट है उसके लिए जो जो कर सकते हो सब कर सकते हैं, तो उसे टेस्ट सीरीज की जरूरत है तो भी आप फास्ट टेस्ट सीरीज, उसको मेंटरिंग की जरूरत है तो भी स्टार्टेड मेंटरिंग, आपने ही बहुत मदद करी इनफैक्ट, सौरभ हमारा स्टार मेंटर इसके अलावा अभी करियर्स हम लोग 2008 से करते हैं प्लेसमेंट्स, ITC में मैं था तो ITC वाज इज स्टिल टुडे द ओनली कंपनी जो प्राइवेट प्लेसमेंट्स में सिर्फ हमसे रिक्रूट करती है, तो वी स्टार्टेड डूइंग प्लेसमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स, तो बेसिकली सीए स्टूडेंट्स के लिए जो जो रिक्वायर्ड रहा वो हम स्ट्रेच कर दिया, कई सारे स्टूडेंट्स सीए क्लियर नहीं कर पाते तो उनके लिए वी स्टार्टेड विद ACCA कमिंग अप विद CPA, तो इनकेस अगर आपको एक ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन चाहिए, जस्ट बिकॉज सीए में बुराई नहीं है बट आपके लिए ऑल्टरनेट ऑप्शंस ठीक है भाई वो अच्छी है पर नहीं कर रही थी, तो व्हाट वी डू इज कि स्टूडेंट को फोकस करते हुए उसके लिए जो जो चीजें रेलेवेंट हो सकती है वी स्टार्ट विद दैट, दैट इज बेसिकली द होल आईडिया।
तो वो टैगलाइन एकदम सही है, सीए के साथ भी एंड सीए के बाद भी, सीए के साथ साथ ही। एंड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में और भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स के सवाल और भी हैं हमारे पास में। ठीक है, वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सर, इतने सारे सवालों के आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए, कई सारे सवालों को आपने डक कर दिया, कई सारे सवालों को आपने सीरियसली बताया, ठीक है, कई सारे सवाल आपने बताए नहीं हमें और हमें कट करने का बोल दिया, ठीक है। तो अब थोड़े सिंपल सवाल पूछते हैं सर। थैंक यू सो मच, मैं आभारी हूँ। क्या शेड्यूल रहता है आपका दिन भर का, मतलब कितने बजे उठ जाते हैं आप, कितने बजे तक? दो है शेड्यूल, एक जब क्लास चलती है और एक जब क्लास नहीं चलती, ऐसे भी मौके होते हैं। जब क्लास चलती है तो I mean, फिर क्या है, 7 बजे क्लास रहती है, you get up at like 5-ish, फिर उसके बाद वजन बढ़ा हुआ है तो थोड़ा दौड़ लगाने जाते हैं, स्विमिंग वगैरह करने, फिर आके क्लास। नॉर्मली आई कीप माई क्लासेज ओनली इन द फर्स्ट हाफ, तो 1-2 बजे तक क्लास कम्प्लीट, एंड देन उसके बाद में ऑफिस, ऑफिस रात को 8-9 बजे तक, और अगर शाम को क्लास रहती है तो फिर वापस शाम को क्लास, 6 days a week। संडे नॉर्मली सुबह क्लास रहती है, नहीं रहती है तो फिर संडे सेकेंड हाफ फिर सब कुछ बंद हो जाता है। तो 6-6.5 दिन घर वाले, मैं तो नहीं देखता संडे सेकेंड हाफ, ठीक है कभी फिजिकली पेन हो जाता है तो लगता है ऐसा, घर वाले जरूर देखते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द संडे इज नॉर्मली फिर एवरीथिंग शट डाउन। अगर आपको लगता है आपका वजन बढ़ा हुआ है, बोले ये रात को लेट नहीं सुबह जल्दी आता है, तो उसका घूमना फिरना इतना होता था कि वो सुबह 4-5 बजे घर आता था। 4-5 बजे से पहले तो समझ ही नहीं आता कि दिन खत्म हो रहा है। इसके अलावा एक बड़ा एक अच्छा सवाल है, कई सारे स्टूडेंट्स जो नीडी होते हैं या फीस के लिए कुछ स्कॉलरशिप मांगते हैं, तो उस सारी चीजों के लिए आप क्या, ये पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं हम लोग, उससे पहले करते थे पर अब टारगेट बना के। हेल्प कुछ भी हो सकती है, कैश स्कॉलरशिप भी देते हैं, किसी को मंथली सपोर्ट चाहिए एन्यूटी के फॉर्म में जैसे इंस्टीट्यूट देता है, तो मंथली पेमेंट भी करते हैं ताकि वो अपनी डेली नीड्स के लिए करते हैं। लेक्चर वगैरह तो छोटी बात है, लेक्चर चाहिए तो उसमें कोई वैसा नहीं है डिस्काउंट या ऐसी कोई चीज़, किसी की ज़रूरत होती है तो लेक्चर्स देते हैं, दूसरी फैकल्टी के या दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर्स उनको लगते हैं तो वो खरीद के भी दे देते हैं। तो नीडी स्टूडेंट्स के लिए कभी कोई इशू नहीं है, बस ये ज़रूर रहता है कि द नीड नीड्स टू बी जस्टिफाइड। तो एक प्रोसेस है छोटा सा बना हुआ जो बहुत ही सिंपल है, कुछ बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है, वो प्रोसेस फुलफिल होता है तो बिना कोई सवाल के सब तरह का सपोर्ट किया जाता है, और ये करना चाहिए। आई थिंक ये वो अच्छा लगता है नहीं लगता है वो कोई मैटर ही नहीं है, बट ये करना ही है, हर किसी को करना चाहिए। पाँचों उंगलियाँ एक समान नहीं है तो वो जितने व्यक्ति होते हैं एक समान नहीं होते, और हमारे केस में मैंने पर्टिकुलरली देखा है कि इट कम्स बैक मोर सो इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको 10 साल पहले कभी मदद करी थी, आज कहीं वो काम कर रहे हैं, और वो बंदा आज तक बर्थडे अगर है या कोई आपकी इवेंट है या फास्ट की एनिवर्सरी है तो उसका कॉल आएगा ही आएगा। तो वो उनका जुड़ाव एक अलग तरह का होता है, वो अपनी असली कमाई है। तो वी डू खुले हाथ से, दोनों हाथ खोल के करते हैं। एंड अभी जितने भी नए नए सीए बनते हैं और बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं टीचिंग करियर को लेकर, तो व्हाट्स योर एडवाइस, जो अभी रिसेंट रिजल्ट में रैंक्स आई है, बच्चे पास हुए हैं, व्हाट्स योर एडवाइस कि अगर उनको टीचिंग करियर में आना है तो क्या चीजें डूज एंड डोंट्स, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? पढ़ाने आना है तो पहली बात तो सीए में पहले ढूंढो इंजीनियर आईएएस, ज्यादा मजे रहेंगे तुम्हारे वहाँ। और अगर सीए पढ़ा है और सीए में ही पढ़ने में आना है, आई थिंक सी ए इज अ मैराथन, तो मैराथन सोच के आओ तो बहुत अच्छा है, प्रिंट लगाने के उद्देश्य से आओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो लंबी सोच के साथ आओगे तो इट इज ऑलवेज गुड। बाकी आप स्टूडेंट से कनेक्टेड जितना रहोगे, स्टूडेंट अपने आप सब सिखा देते हैं आपको। परफेक्टली, बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को भी डब किया गया। साल में कितना छाप लेते हो, सारी बातें छोड़ो सर, ठीक है, साल में कितना छाप लेते हो बताओ? स्टूडेंट्स हम लोग क्लास में होते थे ना, तो हम लोग आजू बाजू बच्चे गिनते थे, कॉमर्स में थे तो करने में मजा भी आता था। ये जब हम स्टूडेंट थे ना तो हमने स्कूल से लेके सारी कोचिंग के सारे हिसाब निकाल दिए, फिर जब अपन कोचिंग में आया तो हमने को समझ में आया कि कैलकुलेशन कितने गलत है। एक नापा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, पता ही नहीं।
इतना आ रहा है दे रहे क्या नहीं ऐसा खराब हो रहे हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कैलकुलेटर के डिजिट के अंदर ही है बाहर नहीं गए अभी भी कैलकुलेटर में 12 डिजिट वाला भी आता है 16 डिजिट वाला कैलकुलेटर पता नहीं वो कौन सा है सामान्य वाला होगा जोक्स अपार्ट ठीक है तो सर फिर अभी आपने ऑडी ली तो क्या फील हो रहा है आपको ऑडी लेके गलत का सवाल तो नहीं पूछ रहा रिसर्च वाले भाई क्या रे अलग दूसरी फैकल्टी का सवाल दिया रे ठीक है तो मैंने लिया मेरे तुमको किसी ने ऑडी बता दी शौक सबके अलग अलग टाइप के होते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर कोई गाड़ी का ही शौक रखेगा ये तो पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ शौक अपने अलग टाइप के आपके शौक मेरे शौक खर्चे वाले नहीं है फीलिंग्स यू नो फीलिंग्स मैटर और एक और क्वेश्चन डक कर बट ऐसा है कि आई काइंड ऑफ फैंसी टेक्नोलॉजी तो मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट साल में होता है तो इट वुड बी टेक्नोलॉजी आई टेक अ लॉट ऑफ गैजेट्स और बहुत सारे आप कभी घर पे ये सेशन लिया होता तो मैं आपको पूरी वॉल बताता क्या क्या लिया है जिसमें से गिफ्टों को आग भी नहीं लगाया है वो देख के लगता भी आपकी ऐप को भी देख के यू आर वेरी टेक फ्रेंडली और बहुत ज्यादा आपको टेक 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 को लेकर चीजें दिमाग में चलती है आपके इंटरेस्टिंग है ऐसे मतलब फैंसी हो गई है हालांकि सब चीज समझ में भी नहीं आती है पर ऐसा लगता है इसको समझने में कि अपन थोड़ा सा अपडेटेड होता है ऐसा कुछ नहीं है हालांकि तो चलो सर एक लास्ट क्वेश्चन फिर अपन इस इंटरव्यू को एंड करेंगे ठीक है और उसका जवाब आपको देना ही आप डेफ नहीं कर सकते क्योंकि हम रिसर्च भी करके आए आपकी नेटवर्थ कितनी है नेटवर्थ 1.5 लाख स्टूडेंट्स 300 रैंक और क्या तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स एंड थैंक यू सो मच सार्थक सर टू जॉइन दिस शो